हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में बताने जा रही हूं, जिसके प्रयोग से आपके टमाटर में एक पौधे में 10 से 15 केजी तक टमाटर आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। जब हम छत पे गार्डनिंग करते हैं तो हमारे पास सीमित जगह होती है और सीमित पौधे भी होते हैं, दो चार ही हम पौधे लगाते हैं, लेकिन उन्हीं दो चार पौधे में हम इतनी टमाटर की हार्वेस्टिंग ले लेंगे कि आपको 10 पौधे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सबको देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक कंटेनर में मात्र ये एक पौधे लगे हैं और एक पौधे में देखिए टमाटर कैसे गुच्छों में आई है, कितनी अच्छी इनमें फ्रूटिंग हुई है। अभी ये छोटे हैं और इनमें अभी भी ब्रांचेज आ रही हैं, फूल देखिए इस तरह से फूल भी आ रहे हैं, फल भी अभी भी सेट हो रहा है। कैसे, तो आज मैं उसी के बारे में आपसे बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखें, स्क्रिप्ट ना करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम टमाटर लगाते हैं तो उसके लिए हमें हमेशा बड़े कंटेनर का चुनाव करना चाहिए। आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हाफ ड्रम में टमाटर का पौधा लगाई हूँ और उसका रिजल्ट देखिए कैसे टमाटर गुच्छों में आई है। जब हम कोई भी पौधा लगाते हैं उसके बाद खास करके टमाटर में ये भ्रम फैला हुआ है, उसके नीचे के सकर्स निकाल दीजिए। मैंने इस टमाटर में कोई भी सकर्स नहीं निकाला है, आप सब देख सकते हैं। मैं इसकी पूरी जड़ के पास से दिखाऊं तो इसमें इतने सारे ब्रांच निकले हैं, पक भी रहे हैं हमारे कुछ टमाटर, और एक ही पौधा है ये देखिए। मैंने अभी तक नीचे से कोई सकर्स नहीं निकाला है, यहाँ तक कि अभी भी इसमें ब्रांचेज आ रहे हैं। ये हमारा इतनी टहनियाँ कैसे निकली है इसी के बारे में बताऊंगी। कुछ टमाटर के पौधे देखिए हमारे यहाँ ग्रो बैग में लगी है। इस ग्रो बैग में भी देखिए एक मात्र एक पौधा है, यहाँ से ये देखिए एक पौधा है और इसी में से कितने सारे ब्रांचेज निकले हैं। टहनियों की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ये इसमें कम से कम 10 से 15 नीचे से ही टहनियाँ निकली है। अगर हम टमाटर लगाते हैं और सोचते हैं कि हम नीचे से उनके सारे सकर्स निकाल दें, वो पौधे से जो टहनियाँ निकल रही उनको हम रिमूव कर दें, तो हमारे पास टहनियाँ नहीं रहेंगी। ज़्यादा टहनियाँ नहीं रहेगा तो हमारा पौधा देखिए ग्रोथ कितना मतलब है, तो वो ग्रोथ कम हो जाएगा। अब टहनियाँ रहेंगी तभी तो पौधा बूसी रहेगा, घना रहेगा, और जितना ज़्यादा घना पौधा रहेगा उतना ज़्यादा फूल आएगा और उतने ही हमारे फल लगेंगे। तो सबसे पहले तो आप जब पौधा लगाइए तो टहनियाँ ज़्यादा रिमूव नहीं कीजिए। दूसरी बात कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि उनके पौधे उतने घने नहीं हैं जितना आपके हैं, तो हम ऐसा कौन सा इसमें फर्टिलाइजर का प्रयोग किए जिससे हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा टहनियाँ निकली, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब ब्रांच निकले, फूल बहुत ज़्यादा लगे। तो इसी पे फुल डिटेल वीडियो है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी टमाटर में टहनियाँ बहुत ज़्यादा निकले, फूल जो है बहुत आए, देखिए इस तरह से फूल आए, जितना फूल होगा उतना टमाटर होगा। जितना टमाटर अगर फूल लेता है, अगर हमारा एक भी फूल नहीं झड़ेगा तो टमाटर हमारा बहुत अच्छा लगेगा। तो एक भी फूल ना झड़े इसके लिए हम क्या करें, इसी पे चलिए मैं आपको बताती हूँ। हम लोग क्या करते हैं जब टमाटर लगाते हैं तो जेनरली जो होता है, हमें जो पता होता है कि हमें न्यूट्रिशन देना है पौधे को, तो सड़ी हुई गोबर की खाद, किचन वेस्ट और बोन मील, रॉक फास्फेट या कैल्शियम, ये तीन चीज ही हम ज़्यादा इस पे फोकस करते हैं टमाटर में खास करके। बहुत से लोग ज़्यादातर कैल्शियम और फॉस्फोरस चाहिए, लेकिन हमारे पौधों को जो है न्यूट्रिशन के साथ साथ और भी ऐसे चीज हैं जो बहुत जरूरी है पौधों के लिए, जिसकी वजह से जो है प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। सबसे पहले जो है न्यूट्रिशन चाहिए, जिसके लिए हमने गोबर की खाद या जो भी खाद आप लेते हैं वो लेंगे। उसके बाद कैल्शियम और फास्फोरस के लिए हम बोन मील लेंगे, कैल्शियम के लिए चूना वगैरह लेते हैं। लेकिन इस
पौधे को छोटा से बड़ा होकर फल से लेकर पकने तक में 17 से 20 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो टमाटर को खास करके बहुत ज़्यादा चाहिए, जैसे कि जिंक। टमाटर में जिंक की मात्रा अच्छी रहेगी तो देखिए प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, प्लांट बूसी होगा, बहुत सारे ब्रांच निकलेंगे, ज़्यादा ब्रांच ज़्यादा फूल ज़्यादा टमाटर, बस यही छोटा सा एक फंडा है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा फूल के लिए जिंक का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं बता देती हूँ कि जिंक के आपके पौधे में कमी होने से क्या क्या होता है। देखिए जब जिंक की हमारे पौधे में कमी होगी तो फूल कम आएंगे, सबसे पहले तो ब्रांच कम आएंगे। पहला जो कमी आपको दिखेगा, ब्रांच जो है स्टिक सा लंबा होता चला जाएगा, ब्रांच आपका इस तरह से देखिए दो पौधे मात्र आधे ग्रो बैग को घेर चुके हैं, इतने ज़्यादा इसमें ब्रांच हैं, यानी हमने जिंक की मात्रा पर चूर रखी है इसलिए इसमें बहुत सारे ब्रांच निकले हैं। जब ब्रांच बहुत ज़्यादा निकलेंगे तो फूल बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इसमें जिंक की अगर जहाँ प्लांट में कमी होगी तो आपका ब्रांच कम हो जाएगा, फूल कम हो जाएंगे, जहाँ जिंक की कमी हुई वहाँ फूल ड्रॉपिंग की समस्या बढ़ जाएगी। ये देखिए जितने हमारे टमाटर में इतने सुंदर फूल जो खिले हैं वो धीरे धीरे मुरझा के सारा गिर जाएंगे, फल सेट नहीं होंगे। तो हमें फल सेट करने के लिए जिंक का प्रयोग यहाँ पे करना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है कि पत्ते आपको पीले हल्के दिखने लगेंगे। हमारे पौधे देखिए कच ग्रीन है, इनमें कोई भी डार्क स्पॉट नहीं है, पत्ते बहुत लहलहा रहे हैं, यानी पौधा मेरा स्वस्थ है। जिंक जो है क्लोरोफिल बनाता है, क्लोरोफिल की वजह से हमारा पौधा जो है भोजन अपना बनाता है और पौधा हरा भरा स्वस्थ रहता है। तो हमारे पौधे को जो है टमाटर की जो है ग्रोथ अगर यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं तो ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, ब्रांच भी बहुत अच्छे निकलेंगे। सिर्फ हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के अलावा भी हमें बहुत ज़रूरी है इसका प्रयोग। तो आपको मैं बता दूं कि जिंक जो है मार्केट में आसानी से मिलने वाला एक है और ये बिल्कुल इजी टू वे आपको मिल जाएगा, मार्केट में कहीं भी बोलिएगा, ऑनलाइन सभी जगह अवेलेबल है। तो जब भी हम टमाटर लगाएं तो खास करके टमाटर में जब हम पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाने के बाद जब हमारा पौधा 25 दिन 30 दिन एक महीने का हो जाए, वो लगे कि आपको प्लांट, तो आप एक स्प्रे कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे स्प्रे करना है, कितना करना है, किस प्रकार करना है और ये है क्या। जिंक की वजह से जो है हमारे पौधे का हार्मोन बहुत अच्छा रहता है, हार्मोन भी अच्छा रहता है जिससे हमारा पौधा स्वस्थ और हेल्दी रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए जिंक है, ये आसानी से हर जगह बीज के दुकान पे खाद के दुकान पे अवेलेबल हो जाती है, आसानी से मिल जाता है। ये 100 ग्राम का मैंने पैकेट लाया है, 100 ग्राम आपको 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। तो आप इसका कोई भी फल फूल जब आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो, ब्रांच ज़्यादा नहीं निकल रहे हो, फूल गिर रहा हो, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, अनार हो गया, किसी भी नींबू हो गया, फल वर्गीय चाहे फूल वर्गीय जो भी आपके प्लांट हैं अगर उनका फूल ड्रॉपिंग की समस्या है, कल्हे नहीं फेंकने का, मतलब कि बहुत घना नहीं हो रहा है, जितना ब्रांच आएगा उतना ही फल लगेंगे, तो ब्रांच अगर कम आ रहे हैं तो वहाँ पे कमी है जिंक की, इस वजह से ब्रांच, ये चीज़ आप समझ लीजिए इस चीज़ को। और फिर जब हम इसका ए स्प्रे करते हैं प्लांट पे, तो आपको स्प्रे कब करना है, जब हमारा पौधा इस स्टेज में हो, ये स्टेज देखिए हमारा पौधे का, ये 25 दिन का ये पौधा हमारा हो गया है, अब इसमें लग रहा है कि थोड़े दिनों में फूल आएंगे, तो इस स्टेज में आपको फर्स्ट स्प्रे करना है। सेकंड स्प्रे कब करना है, स्प्रे हमें करना है इस तरह से देखिए फूल निकल जो खिल जाए, तो उस टाइम आप इसका सेकेंड स्प्रे कीजिए, जिससे जितने भी फूल है वो फल में सेट हो जाएंगे और नए ब्रांचेज और ऊपर की ओर ब्रांचेज निकलते जाएंगे और फूल आपका बनते जाएगा। तो इस तरह से आप कम से कम टमाटर के पौधे में 2 से 3 बार स्प्रे कीजिए, जिससे आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फूल ड्रॉपिंग की समस्या भी नहीं होगी,
फल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगेगा। तो अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूं तो इसे हमें लेना है, तो अब हम इसका प्रयोग करने के लिए आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है 2 लीटर पानी, आप 1 लीटर भी ले सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। और इस जिंक के पाउडर को देखिए, हमें लेना है 2 लीटर में कम से कम हम 4 ग्राम लेंगे, यानी 2 ग्राम पर लीटर। ये 17% इसमें जिंक है, तो ये अपने शहर में हर प्रकार के मिलते हैं, 17%, 20%, 22% इस तरह से। तो मेरा 17% वाला है, तो ये हम लेंगे 4 ग्राम यहाँ पे इस तरह से। ये पानी में बिल्कुल आसानी से घुल जाता है, और इससे हम इस तरह से देखिए स्प्रेयर में अपना डाल के घोल लेंगे। यहाँ पे मैंने अपने अच्छे से समझ लिया, 1 लीटर में 2 ग्राम हमें जिंक लेना है। जितना आपकी पानी की क्वांटिटी होगी जिंक को उतना आप बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट स्प्रे हमने इस पे किया था जब हमारा पौधा 1 महीने का था, दूसरा स्प्रे कर रहे हैं जब इसमें देखिए इतने ब्रांचेज निकल गए और फूल भी बहुत आए हैं, उस समय हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे ये क्या होगा कि पूरा फूल जो है फल में सेट हो जाएगा और फूल ड्रॉपिंग की समस्या भी नहीं होगी। इसका प्रयोग करें आप हमेशा, स्प्रे करें। मिट्टी में इसे बहुत कम डाला जाता है, अगर आपके पास है तो सॉइल मिक्सचर बना रहे हैं उस समय आप डाल देते हैं तो कोई वैसी इसकी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इसका आप स्प्रे कीजिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। कम से कम 2 बार जरूर करें, 1 बार जब आपका प्लांट 1 महीने का हो जाए, दूसरी बार जब इस तरह से फूल खिल जाए उस समय। तो ये देखिए जब मेरा फूल खिला हुआ है तो मैं इसका स्प्रे कर देती हूँ। कुछ हमारे इधर भी टमाटो प्लांट है जो मैं अभी रिसेंटली लगाई हूँ इसे, तो इस पर भी हम स्प्रे कर देंगे। जब इसकी कमी आपके प्लांट में ज़्यादा दिखेगी तो आपके पौधे बिल्कुल पीले होने लगेंगे और आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे कि आपकी प्लांट की नसें दिख रही हों, पत्ते की नसें दिख रही हों, इस टाइप से आपको जब दिखने लगे तो आप इसका स्प्रे ज़रूर करें, तभी जाके आप अच्छी टमाटर की हार्वेस्ट ले सकते हैं। तभी जाकर के आप इस तरह से देखिए टमाटर की हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। हमारे यहाँ बहुत अच्छी टमाटो की हार्वेस्टिंग हुई है, एक एक पौधे से हम 10-10 केजी तक टमाटर को जो है हार्वेस्ट कर रही हूँ। और इस तरह से देखिए टमाटर अभी भी हमारे यहाँ लगे हुए हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो कैसी लगी, जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।